गया है मोस्ट पॉपुलर पावरफुल लैपटॉप कंट्रोल क्या करूं यार, कंट्रोल ही तो नहीं होता। So excited इन दोनों लैपटॉप को टेस्ट करने के लिए। दो रीजन है, सबसे पहला ये Asus की तरफ से है और दूसरा ये है Asus का टफ गेमिंग लैपटॉप। गेमिंग मतलब पीरो गेमिंग, गेमिंग और हमारा कनेक्शन बहुत ही तगड़ा है। फिर इन लैपटॉप्स को टेस्ट करना एक बार तो बनता है, क्यों जनता सही पकड़े हैं। इसमें 144 हर्ट्ज डिस्प्ले है, RTX 4060 GPU है। वेट, आपको तो पता है मेरा नेचर, पहले टेस्ट करो, इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। सो मेरे पास दो लैपटॉप है, ये जो मॉडल है ये है A17 और एक ये दूसरा सीरीज है टफ गेमिंग का F सीरीज है F50। यहाँ लिखा है एक्टिवेट द फोर्स और यहाँ पे टफ का लोगो। ये रहा हमारा बीस्ट, ओ माई गॉड भाई सच में ये टफ है, थोड़ा सा भारी तो लग रहा है। चलो इसके बारे में भी बात करते हैं और इसके अंदर है ये कुछ ज्ञान की बातें और यहाँ पर ये चार्जर ही कितना प्रीमियम लग रहा है इसका। और इस साइड में ये चार्ज करने के लिए ये केबल। तो ये है Asus का टफ गेमिंग लैपटॉप, क्या बात है। ये है A17 और ये है F15, दोनों की ही बिल्ड क्वालिटी देखो यार। सच बताऊं जब मैंने पहली बार इन दोनों लैपटॉप को हाथ पे लिया, एक वो होता है ना रफ एंड टफ, ऐसे ही कुछ फील देता है ये दोनों लैपटॉप। तो दोनों ही लैपटॉप में आपको टफ का न्यू लोगो मिलता है, ये मैट फिनिश के साथ आता है। Yes, बिल्ड इसकी मेटल है। F15 में जो बिल्ड है वो पॉलीकार्बोनेट है। दोनों में आपको जो फ्रेम मिलती है दोनों में पॉलीकार्बोनेट है। दोनों की जो बिल्ड क्वालिटी है ना भाई वो मुझे सॉलिड लगी, क्योंकि इसमें आपको मिलिट्री स्टैंडर्ड ड्यूरेबिलिटी मिलती है। वेट की बात करूं तो वेट इसका करीब 2.5 किलो के आसपास होगा। 2.5 किलो से याद आया, ये 2.5 किलो का हाथ है, सॉरी 2.5 किलो का लैपटॉप है। ये अगर किसी पे पड़ा तो आदमी उठता नहीं सो जाता है यार। हंसना था यार मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। चूक सपाट लैपटॉप के साइज को देखते हुए ऐसा लगता है भाई लैपटॉप कुछ ज्यादा ही भारी होगा। एक चीज अच्छी लगी Asus वालों ने इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी अच्छे तरीके से कर रखा है। A17 का डिस्प्ले सामने से देखने से कुछ ऐसा लगता है और F15 का ऐसा। A17 में जो डिस्प्ले साइज है वो 17.3 इंच का फुल HD प्लस IPS पैनल है, वहीं पर F15 का जो डिस्प्ले साइज है वो 15.6 इंच का। और सबसे बड़ी चीज दोनों ही लैपटॉप में आपको 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। दोनों का ही जो डिस्प्ले है एकदम बटरी स्मूथ है। एक बार इसका ब्राइटनेस टेस्ट करते हैं, ये मैं लोएस्ट कर देता हूँ भाई, ये देखो लोएस्ट पे भी ये विजिबल है। अगर मैं इसको हाई कर देता हूँ 215 इसकी पीक ब्राइटनेस है, तो जो डिस्प्ले है वो ब्राइट इनफ है। दोनों ही लैपटॉप में 100% sRGB कलर गैम्यूट कवरेज है और एक और चीज लैपटॉप में G-Sync सपोर्ट भी है। दोनों ही लैपटॉप की जो डिस्प्ले क्वालिटी है एक गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। ब्यूटीफुल आपको कलर्स मिलते हैं, मतलब इसमें कोई भी मूवीज वगैरह देखो, वीडियोस वगैरह देखो। इवन लैपटॉप के डिस्प्ले में जो बेजल्स है वो मुझे मिनिमल लगे, थोड़े से बेजल्स है नीचे साइड में, काफी मिनिमल बेजल्स कर रखा है। कुछ इसको पूरा ओपन करके देखते हैं। ओके, ये मैक्स इतना बेंड हो जाता है। इन लैपटॉप में 4 एग्जॉस्ट वेंट है और अप टू 5 हीटिंग पाइप्स है। इसमें डुअल 84 ब्लेड वेंट है, एक RJ45 लेन पोर्ट है, एक थंडरबोल्ट 4 है, एक USB 3.2 है टाइप सी और दो USB 3.2 टाइप ए है। 2 स्पीकर सिस्टम है विद डॉल्बी एटमॉस टेक्नोलॉजी। एक बार इसके स्पीकर टेस्ट करते हैं कीजिए। तो बैक साइड में एक यहां पर ये स्पीकर्स है। एक बार साउंड क्वालिटी टेस्ट करते हैं। भाई बस 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 ज्यादा डिस्को करेंगे ना कॉपीराइट आ जाएगा। ओके, मजाक से हटके जो साउंड क्वालिटी है मुझे इसकी, तभी मैंने सुना टेस्ट किया, अच्छी लगी साउंड क्वालिटी। दोनों ही लैपटॉप का जो कीबोर्ड है ये बैकलाइट चिकलेट कीबोर्ड है, ये 1 जोन RGB कीबोर्ड है। कीबोर्ड क्वालिटी इज गुड। कीबोर्ड के बीच में जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो 1.7 mm है। एक चीज कीबोर्ड में मुझे बहुत ही अच्छी लगी, ये RGB कीबोर्ड है। ये देखो अभी मैं इसे अंधेरे में यूज कर रहा हूँ, ये RGB लाइट आपको एक प्रॉपर गेमिंग वाली फीलिंग देता है। एक चीज मैंने नोटिस की है, इस लैपटॉप को Asus ने इस तरह से डिजाइन किया है कि एक गेमर्स को, मतलब जितने भी गेमर्स है उनको लगे कि भाई हाँ हम एक गेमिंग लैपटॉप यूज कर रहे हैं। F15 में जो टच पैड है वो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन A17 का जो टच पैड है वो आपको काफी वाइड चौड़ा मिलता है और टच पैड में काफी एक सॉफ्ट टच है, एक प्रीमियम सा टच दे रखा है। जितने भी गेमर्स हैं उनको पता होगा AWSD, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीज होते हैं, गेमिंग में काम आते हैं, तो इनके लिए भाई एक अलग से ट्रांसपेरेंट कीज दे रखा है। तो यहाँ पे गेमिंग के लिहाज से Asus वालों ने छोटी छोटी चीजों पे बारीकी से काम किया है। फ्रंट में सामने की साइड में आपको ये HD वेबकैम दे रखा है, छोटा सा कैमरा है। दोनों में आपको सेम वेबकैम मिलता है 720p HD। और अगर मैं वेबकैम की क्वालिटी की बात करूं, ये देखो भाई क्वालिटी अच्छी लग रही है, मतलब लाइक इंडोर लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से। ओहो
और मैं फोटो की बात करूँ, ये देखो भाई फोटो, फोटो अच्छी है यार। टफ गेमिंग A70 लैपटॉप में AMD Ryzen 7 सीरीज मोबाइल प्रोसेसर मिलता है। AMD के इस प्रोसेसर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ। ये एक 8 कोर CPU है, 16 थ्रेड्स है इसमें, अप टू 4.7 GHz क्लॉक स्पीड है और 16 MB की L3 कैशे है। वहीं पे अगर मैं Asus टफ गेमिंग F15 सीरीज की बात करूँ, इसमें आपको इंटेल का i5 i9 चिप भी मिलता है। मेरे पास जो वेरियंट है ये इंटेल कोर i5 वाला वेरियंट है। अगर मैं GPU यानी कि ग्राफिक्स की बात करते हैं, ग्राफिक्स में NVIDIA GeForce RTX 4060 है। वहीं पर A17 में RTX 4050 ग्राफिक्स है। दोनों में ही जो ग्राफिक्स है वो सॉलिड है, मतलब एक छोटे मियाँ तो एक बड़े मियाँ है। दोनों में ही जो CPU है GPU है बहुत ही पावरफुल है, मतलब मल्टीटास्किंग करोगे, गेमिंग खेलोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम स्मूथ मक्खन गेम प्ले कर पाओगे। इतने सारे मैंने एप्स ओपन कर रखे, ये देखो, तो मल्टीटास्किंग भाई मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी। ये देखो मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी है। तो आई नो हीरो गेम प्ले देखना चाहते हो तो चलो एक बार इसमें गेमिंग करके देखते हैं। तो एक बार ये स्नाइपर वाला गेम खेल के देखते हैं हम। ये भी करीब 2-3 GB का गेम है। ओके भाई ग्राफिक्स तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं यार। बताऊं ये ओ हो भाई ग्राफिक्स देखो क्या बात है, ग्राफिक्स तो भाई बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। ये क्या बात है कि शॉट, एक बार एसफॉल्ट 9 खेल के देखते हैं हाई ग्राफिक्स पे। बेटे मौज कर दी, हम तो बड़े हैवी ड्राइवर हैं भाई। ये ओ अरे दौड़ जा, हैवी ड्राइवर निकले भैया। जितना भी मैंने इसमें गेम खेला भाई, गेमिंग एक्सपीरियंस इसमें सॉलिड है। दोनों में आपको अप टू 32 GB रैम मिलती है DDR4, अप टू 1 TB SSD मिलती है। इसके अलावा वाईफाई 6 सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई है और ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है। आपको पता ही होगा Asus के जो टफ सीरीज के लैपटॉप होते हैं ये गेमर्स को और परफॉर्मेंस यूजर्स के लिए होता है। और फर्स्ट इंप्रेशन में इसके लैपटॉप को जितना भी टेस्ट किया, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, डिजाइन लुक एंड बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है इसकी, एकदम रफ एंड टफ लुक एंड फील है। और परफॉर्मेंस के मामले में तो भाई दोनों ही लैपटॉप सॉलिड है। सो अगर आप एक पावरफुल लैपटॉप देख रहे हो या फिर अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप देख रहे हो तो आप Asus के टफ गेमिंग A और F सीरीज गेमिंग लैपटॉप्स को चेकआउट कर सकते हो। इन दोनों लैपटॉप्स की जो प्राइस लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट कर लेना। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके जाना, फैला दो वीडियो को और नीचे कमेंट में बताना अगर आप Asus के लैपटॉप यूज करते हो टफ सीरीज का, आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है, लैपटॉप कैसा लग रहा है, एक बार बताना नीचे कमेंट में। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।